लोगों से मुलाकात होती थी तो अक्सर लोकसभा के चुनाव की चर्चा होती थी। हर आदमी कहता था भाई विधानसभा में तो कुछ कमियां रह गई, पर अब की बार आपने लोकसभा में सही प्रत्याशी उतारा तो अब की बार यहां से भारी बहुमत से कांग्रेस को चुनाव जिता के भेजेंगे। मैंने कहा भाई टिकट बांटने वालों में तो हम नहीं है, परंतु मुझे पार्टी ने टिकट दिया है, आप लोगों की जो भावना है मैं वो हाई कमान तक रख सकता हूं, हमारे शीर्ष नेतृत्व तक रख सकता हूं। तो मैं आप सब लोगों से मिलता था, हमारे पूरे क्षेत्र में जाते थे, आप सब लोगों की एक ही राय थी अब भाई अब की बार राज क्षेत्र से किसी नौजवान को मौका दिया तो कांग्रेस बहुत वोटों से जीतेगी। तो हमने आश्वस्त किया कि आप लोगों की बात आगे पहुंचाएंगे, हमने शीर्ष नेतृत्व तक की बात पहुंचाई। हमारे क्षेत्र में जो आवाज आ रही है वो ये आ रही है यहां से किसी नौजवान साथी को मौका दिया कांग्रेस पार्टी ने तो चुनाव जीतेगा। उसके अलावा हमारे सब नेताओं से बात हुई, जितने शीर्ष नेता थे जो चुनाव लड़े थे, एमएलए या और बड़े नेता जो हमारे प्रभारी इंचार्ज, सबसे सबकी एक राय थी अगर ललित भाई को यहां से टिकट दिया जाए तो बहुत ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेगा। हमारी पार्टी ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए, हम नेताओं की बहुत लोगों की अपेक्षा थी कि भवन साहब हमारे बहुत बड़े नेता यहां से, हम चाहते थे वो भी चुनाव लड़े, परंतु आपकी जन भावनाओं को देखते हुए और भवन साहब की व्यस्तता को देखते हुए उन्होंने त्याग किया। नहीं, आज के जमाने में राजनीति में कोई त्याग नहीं करता है, हर आदमी टिकट चाहता है, परंतु उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं नए क्षेत्र, नए नौजवानों की लीडरशिप डेवलपमेंट हो, नए युवाओं को मौका मिले, तो इसलिए उन्होंने त्याग किया और अपनी जो सीट थी वो भाई ललित यादव को दी, उन्होंने ये चुनाव यहां से लड़े। अब जब टिकट हो गया तो हमारे बहुत सारे साथियों ने इधर उधर की बातें करना शुरू किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, डॉक्टर करण सिंह जी हमारे सम्मानीय नेता है, आज भी हम उनका सम्मान करते हैं, आज भी हम उनको आदर देते हैं, और मैं तो भाई ललित यादव को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं, जब ये एमएलए का चुनाव जीत गए तो सबसे पहले डॉक्टर करण सिंह जी के घर पे आशीर्वाद लेने के लिए गए, और ललित भाई का कोई चुनाव लड़ने का मन नहीं था। हमारे बगल का लगता है चुनाव क्षेत्र है, हम सब लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, सबकी जनभावना आप चुनाव जीतेंगे, क्योंकि आपने मुंडाव से रिकॉर्ड तोड़ा है, अलवर जिले की सबसे बड़ी जीत हासिल आपने की है। पर इन्होंने कहा भाई मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हमने कहा क्यों नहीं लड़ना चाहता, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने कहा जनता ने मुझे विधायक बनाया है और अब मैं मुंडाव की 5 साल सेवा करना चाहता हूं, मैं 5 साल इनके बीच में रहना चाहता हूं, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। फिर भी पार्टी ने इनको मौका दिया तो हम तो कहते हैं हमारे राज के लिए मुनाव और भैरव नीम राणा पूरा एक क्षेत्र राज के लिए बहुत सम्मान की बात है। आज हमारे बीच का एक नौजवान इतने बढ़ रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और आज जो लोग नेता जो इनका विरोध कर रहे हैं उनको बाहर से ला करके हमने यहां सिर पे बिठाया, चंदा भी दिया, वोट भी दिया, रिकॉर्ड वोटर चुनाव जिता दिया, 2 बार सांसद बनाया, 2 बार विधायक बनाया, 6 बार टिकट दिया और 2 बार मंत्री पद का दर्जा दिया। और जब हमारे एक नौजवान को मौका आया, क्योंकि वो उम्र के आखिरी पड़ाव पे है, बहुत ज्यादा उम्र होगी आपको पता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और आप सब लोगों की ऐसी भावना नहीं थी कि उनको लड़ना चाहिए चुनाव, क्योंकि पिछला चुनाव भी वो किशनगढ़ में जाकर के बहुत भारी अंतर से चुनाव हार गए थे। उसके बावजूद भी पिछला जो मैंने चुनाव लड़ा वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए टिकट मांग रहे थे, पार्टी ने कहा अब उसको पहले टिकट दिया, 11-12 हजार वोट आए, जमानत जब्त हुई, अभी सर्वे में कहीं भी उनका नाम नहीं है, फिर भी डॉक्टर साहब आप चाहते हैं, आप सीनियर रहे, वहां से पहले विधायक आप चुनाव लड़िए, उनको मौका दिया, उनको कहा कि आप चुनाव लड़िए, पर वो पीछे हट गए चुनाव लड़ने से। और आप पता नहीं कैसे उनको, उन्होंने कहा कि मैं तो लास्ट चुनाव था किसी में लड़ गया, वो कैसे उनका, कुछ लोग क्यों उनको घुमरा कर रहे हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा। जब हमारे नौजवान को मौका मिला, हमारे क्षेत्र को मौका मिला, तो आज सबसे पहले वाड़े आने लग गए, सबसे पहले उनको रोकने लग गए, नहीं तो उनको ये होना चाहिए जिस क्षेत्र में आपको सबसे आगे बढ़ाया उस क्षेत्र के नौजवान को मौका मिल रहा है तो हम इसको भी आगे बढ़ाए, इनको आशीर्वाद देना चाहिए था। और टिकट मिलने के बाद सबसे पहले उन्हीं से आशीर्वाद लिया, उन्हीं को फोन किया, परंतु अब हम लोगों को कमर कसनी है, इनकी अफवाह में नहीं आना है। विधानसभा चुनाव में भी इसी प्रकार की अफवाह में हम लोग आ गए और उससे चुनाव लूज कर गए। अब ये अफवाह फैलाने में माहिर है, तरह तरह की बातें करेंगे। अब आदरणीय भवन जितेंद्र सिंह जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, अब वो हमारी राज की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं।
अब आप लोग बताइए, जिस व्यक्ति ने हमेशा राज का मान बढ़ाने का काम किया, जब हमारी सरकार थी तो अलवर जिले से 2 मंत्री बने। पहला मंत्री किसको बनाया? हमारे काठवास के टीकाराम जूली जी को बनाया। हमारा नाम बढ़ाया घटाया? बढ़ाया। शकुंतला रावत जी कहां किए? मोहम्मदपुर किए, उनको मंत्री बनाया। हमारा नाम बढ़ाया। जब हम विपक्ष में आए तो सबसे बड़ा जो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में पद होता है, सीएम के लीडर का, वाले टीकाराम जूली जी को बनाया। वो भी हमारे राज क्षेत्र के नौजवान को बनाया। जब एनपी के टिकट की बात आई तो सबसे पहले राज के नौजवान अमित यादव को मौका दिया। तो बताओ, हमारी लीडरशिप बढ़ाना चाहते हैं घटाना चाहते हैं? एक व्यक्ति वो है जो ये गुमराह करते हैं, तो हमेशा वो राज को कुछ ना कुछ देना चाहता है, हमेशा एक क्षेत्र को राजनीतिक रूप से मजबूत करना चाहता है। और दूसरी तरफ कौन है जो इस क्षेत्र में राजनीति को कम करना चाहते हैं? आज हमारे यहाँ से 2 विधायक चुनाव जीते गए, आदरणीय डॉक्टर अशोक यादव जी चुनाव जीते, आदरणीय बालक नाथ जी चुनाव जीते। बालक नाथ जी के लिए हमारे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर, मुख्यमंत्री बनेगा हमारे क्षेत्र से, मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया। फिर हमें लगा डिप्टी सीएम बनाएंगे, कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, वो भी नहीं बनाया। डॉक्टर यशवंत का मंत्री बनाएंगे, वो भी नहीं बनाया। दोनों प्रबल दावेदार थे, क्यों नहीं बनाया? केवल भूपेंद्र यादव अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से उनको मंत्री नहीं बनाया। फिर भी हमें लगा चलो मंत्री नहीं बना, कोई ना कोई सांसद मिलेगा। बाहर जाके भूपेंद्र यादव जी जाके सांसद का चुनाव लड़ते हैं। तो ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी पिछले कितने चुनाव उठा के देख लो, हमेशा बाहर से लोग लेकर आते, बाहर से हयात करके लोग लेकर आते। क्या हमारे पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा हमारा कोई भाई और बहन नहीं है जो यहां से चुनाव लड़ सके? परंतु नहीं, हमेशा बाहर से करते हैं। तो राज क्षेत्र की राजनीति को कम करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने किया है, नहीं तो हमारे यहां से मंत्री होता। हमारे बीच में हमारे विजय सिंह यादव पूर्व प्रदेश सचिव कांग्रेस पार्टी पधारे, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं हमारे बीच प्रधान। और इनके स्वागत के लिए हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को कहता हूं धर्मवीर जी का स्वागत करें। तो साथियों, इनकी अफवाहों में हमें नहीं आना है, इनके बहकाव में नहीं आना है। अब आप तुलना कीजिए दोनों के अंदर। भूपेंद्र यादव जी यहां से 12 साल राज्यसभा के सदस्य रहे, पूरे क्षेत्र का एक व्यक्ति आके कह दे अब भूपेंद्र यादव ने हमारा काम किया है। आज ये लोग कहते हैं अब भूपेंद्र यादव चुनाव जीतेगा, बड़ा व्यक्ति यहां विकास कार्य करेंगे। क्या 12 साल से बड़ा व्यक्ति नहीं था क्या? पिछली बार भी केंद्रीय मंत्री था, राज्यसभा सदस्य था, जब क्यों नहीं कराया आप लोगों ने? जब भी करवा देते, बड़े व्यक्ति थे, आपकी सरकार थी, परंतु केवल झूठ बोलने में माहिर है। भूपेंद्र यादव यहां से चुनाव जीतेगा, 5 साल कभी दर्शन नहीं देगा, क्योंकि उसको दोबारा यहां से चुनाव नहीं लड़ना है। क्या तो अगली बार फिर राज्यसभा की कहीं तैयारी करेगा? नहीं, दूसरी जगह जाके चुनाव लड़ेगा। एक तरफ हमारा भाई है ललित यादव, आपके बिल्कुल नजदीक का भोलापुर का है, जब भी आपको कोई जरूरत पड़ेगी आधी रात को भी इनके पास जा सकते हो। जब आप घर में जाओगे किसी कारण से नहीं मिला तो इनके माता पिता भाई बहन कोई ना कोई मिलेंगे, आपके पहचानने वाले मिलेंगे, आराम से बिठाएंगे, चाय पानी पिलाएंगे। और भूपेंद्र यादव के मकान पे जाओगे तो बाल संतरी खड़ा मिलेगा, वो कह देगा साहब अंदर नहीं है, आप 4-5 हजार रुपया खर्च करके गाड़ी लेके जाओगे और वापिस वहां से लौट के आ जाओगे, आपको मिलेगा भी नहीं। इससे पहले कितने लोग गए वहां, हमेशा बाहर भेजने का काम किया, बिल एक भी कोई काम नहीं किया। हमारे नौजवान साथी हई रेजिमेंट की मांग कर रहे थे, बहुत बड़ी मांग थी, 36 बरादरी ने हई रेजिमेंट की मांग का समर्थन किया। हर नेता ने उनका लेटर लेके प्रधानमंत्री जी को हई रेजिमेंट बननी चाहिए, चाहे वो जाट हो, चाहे गुजर हो, चाहे माली हो, चाहे SC के, सभी नेताओं ने लेटर लिखे। पर जब भूपेंद्र यादव के पास हमारे क्षेत्र के नौजवान खून से लिखा हुआ लेटर लेके गए तो उसको फाड़ के फेंक दिया। तो कहां काम करने वाले लोग हैं? केवल ये पद की लालसा करते हैं, लोकसभा बनना चाहते हैं, कभी आपके यहां दर्शन करने के लिए भी नहीं आएंगे। एक ये भाई है आपके बीच, इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी कोशिश कर रहा है, एक एक व्यक्ति का फोन उठा रहा है, एक एक व्यक्ति से मिल रहा है। और दूसरा वो है भूपेंद्र यादव, टिकट मिली तो यहां से जाके लोगों को वहां अपने वहां बुलाया, क्षेत्र में नहीं आया, वहां बुलाया, अब यही आ जाओ। तो आने वाले समय में आप देख सकते हो किस प्रकार का होगा।
और ये ललित यादव के बारे में कहते बच्चा है, ये तो मैं सही कहता हूं डॉक्टर कर्ण सिंह जी, आपके लिए तो हमेशा बच्चा ही है, आगे भी बच्चा ही रहेगा और आपका भी हमेशा सम्मान करता रहेगा, परंतु राजनीतिक रूप से बच्चा नहीं है। इसने राजस्थान विश्वविद्यालय में महासचिव का चुनाव जीता, इसने युवा कांग्रेस में प्रदेश में काम किया, इसने एनएसयूआई में प्रदेश में काम किया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जब 39 लोगों की कार्यकारिणी बनी उनमें से एक हमारे जिले का एकमात्र व्यक्ति था वो ललित यादव था, 39वें प्रदेश सचिव बना। करौली धौलपुर जैसे डिस्ट्रिक्टों के प्रभारी रहा और कांग्रेस पार्टी ने जब इसको टिकट दिया तो अलवर जिले में सबसे ज्यादा वोटों से लगभग 36,000 से चुनाव जीत के आया। तो राजनीतिक रूप से कहां बच्चा रह गए, ये 36,000 से इसने चुनाव जीत के आया, ये किसी एक जाति की राजनीति नहीं करता है, ये 36 बिरादरी को